मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में डेढ़ से ज़ायद मकामात पर लगी जंगल की आग बेकाबू। सूबाई हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने में नाकाम हो गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। आबनाए ताइवान में चीन, कनाडा और अमेरिका के बहरी जंगी जहाज आमने सामने। चीनी वजीर दिफा की जानिब से चीनी सरगर्मियों का दिफा। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि बैन अल-अक़वामी कानून इजाज़त देता है, वहाँ कनाडा बहरी सफर जारी रखेगा। कनाडा में बैरूनी मदाखलत के नुमाइंदे खसूसी तनकीद की जद में। जगमीत सिंह का कहना है कि तासुब का जहूर इतना मजबूत है कि डेविड जॉनस्टन ये काम नहीं कर सकते। इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो गए। कई अफराद का काम एक मशीन से लिया जाने लगा। अमेरिका में बेरोज़गारी में इजाफा हो गया। सऊदी अरब और अमेरिका सूडान मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहिशमंद। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि सहूलतकार रस्मी बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। फरीकैन जद्दा एलामिया के अज़म के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के सूबे क्यूबेक की फायर अथॉरिटी का कहना है कि वो सूबे में लगने वाली तमाम 153 आग पर काबू पाने में नाकाम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे क्यूबेक की फायर अथॉरिटी का कहना है कि वो सूबे में लगने वाली तमाम 153 आग पर काबू पाने में नाकाम है। जब तक कुमक नहीं पहुंच जाती, ये एक वक्त में सिर्फ 20 से 30 मकामात पर लगी आग से निमट सकते हैं। जंगलात में लगी आग के सबब हजारों अफराद के लिए इनखिला के हुक्मनामे जारी किए गए हैं। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर फ्रांसवा बोनार्डियल ने कहा कि हमने कुल 21 के मुकाबले में आज 35 आग की जिम्मेदारी संभाली। हमने अपने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए मखसूस आग का इंतखाब किया, लेकिन सबसे बढ़कर अपनी आबादी के तहफ्फुज़ के लिए आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। मुकामी फायर फाइटर्स की मदद के लिए सूबे के बाहर से मुसल्ला फौज और फायर फाइटर्स हफ्ते को पहुँचना शुरू हो गए। तकरीबन 100 फौजी ज़मीन पर हैं और मजीद 550 फायर फाइटर्स रास्ते में हैं। इतवार के रोज़ फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रॉन ने ट्विटर पर ऐलान किया कि फ्रांस 100 फायर फाइटर्स को कुमुक के तौर पर भेजेगा ताकि पूरे क्यूबेक में लगने वाली आग पर काबू पाने में मदद मिले। दूसरी जानिब कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में जंगलात में आग लगी हुई है, लेकिन कनाडा के हंगामी तैयारी के वजीर ब्लेयर का कहना है कि चैलेंजिंग सीजन की तैयारी के लिए बहुत काम किया गया। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा जहां आबनाए समेत बैन अल-अक़वामी कानून इजाज़त देता है, वहां बहरी सफ़र जारी रखेगा और इस खित्ते के किरदारों को जिम्मेदारी के साथ मशगूल होना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के वजीर दिफा ने आबनाए ताइवान से गुजरने वाले अमरीकी जंगी जहाज डेस्ट्रॉय और कनाडा के फ्रीगेट के रास्ते में जंगी बहरी जहाज के सफर का दिफा करते हुए सिंगापुर में दुनिया के कुछ आला दिफाई अहदेदारों के एक इज्तिमा को बताया कि इस तरह की नाम नहाद नेविगेशन की आज़ादी गश्त एक गैर मामूली अमल है जो चीन के लिए इश्तियाल अंगेजी के मुतरादिफ है। मार्च में वजीर दिफा बनने के बाद अपने पहले बैन अल-अक़वामी अवामी खिताब में जनरल ली शोंगफो ने शिंगरी लॉ डायलॉग में कहा कि चीन को मासूम रास्ते से कोई मसला नहीं है,
लेकिन हमें ऐसी कोशिशों को रोकना चाहिए जो उन आज़ादियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा जहां आबनाए समेत बैन अलावा कानून की इजाज़त देता है, वहां बहरी सफ़र जारी रखेगा और इस खत्ते के किरदारों को जिम्मेदारी के साथ मशगूल होना चाहिए। US डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन ने हफ्ते के रोज़ इसी फॉर्म को बताया कि वाशिंगटन चीन की तरफ से गुंडागर्दी या जबर के सामने नहीं झुकेगा और आबनाए ताइवान और बहीरा जनूबी चीन के ऊपर से बाकायदगी से जहाज रानी और परवाज जारी रखेगा ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि वो बैन अलाक्वामी पानी है। हफ्ते के रोज एक अमरीकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय और एक कैनेडियन फ्रीगेट HMCS मॉन्ट्रियल को एक चीनी जंगी जहाज ने रोक लिया जब वो ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे के दरमियान आबनाए से गुजर रहे थे, जिस पर चीन अपनी सरजमीन होने का दावा करता है। US इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक चीनी जहाज ने अमरीकी बहरी जहाज को पीछे छोड़ दिया और फिर 140 मीटर के फासले पर एक गैर महफूज तरीके से अपनी कमान को पार किया। ली ने मशवरा दिया कि अमरीका और उसके इतिहादियों ने खतरा पैदा कर दिया है और इसके बजाय अपनी अपनी इलाकाई फिजाई हदूद और पानियों की अच्छी देखभाल पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बेहतरीन तरीका यह है कि ममालिक खास तौर पर ममालिक के बहरी जहाजों और लड़ाका तैयारों के लिए दूसरे ममालिक के इलाकों के इर्द गिर्द बंद कार्रवाइयाँ ना करें। उन्होंने कहा कि वो ताइवान को दिफाई तआवुन और तरबियत फराहम करके आला सतह के सिफारती दौरे करके चीन के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन हम अपने जायज हुकूक और मफादात के दिफा में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। NDP लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि खसूसी नुमाइंदे डेविड जॉनस्टन की जाती साख के बावजूद लिबरल हुकूमत के हक में तासुब का मुजाहरा इस काम को कमजोर कर रहा है जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। NDP लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि खसूसी नुमाइंदे डेविड जॉनस्टन की जाती साख के बावजूद लिबरल हुकूमत के हक में तासुब का मुजाहरा इस काम को कमजोर कर रहा है जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे यकीन है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत मोतबर है और उन्होंने मुल्क के लिए इस तरह काम किया जो वाकई काबिल एहतराम है। अगरचा हम जिस मसले के खिलाफ हैं, वो काम है जो उसे करना है। हमारे इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद बहाल करना है और तासुब का जहूर इतना मजबूत है कि अब वो ये काम नहीं कर सकते। तासुब के जाहिर होने की वजह से ज़रूरी एतमाद ख़त्म हो जाता है। जॉनस्टन हिजब इख्तलाफ की जमातों की तरफ से तनकीद की जद में है जब से उन्हें वजीर आज़म ने चीन की तरफ से कनाडा के इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत के इल्जामात को देखने का काम सौंपा था। उन्होंने गुज़िश्ता माह के आखिर में इस मामले पर अपनी पहली रिपोर्ट पेश की और अवामी इंक्वायरी के खिलाफ सिफारिश की। NDP रहनुमा ने जॉनस्टन के मुसलसल किरदार के खिलाफ अपनी मुखालफत के बारे में तफसीली तौर पर बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनकी पार्टी की तरफ से जॉनस्टन से मुस्ताफी होने का मुतालबा करने की तजवीज़ की मंजूरी के चंद दिन बाद, लेकिन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने साबिक गवर्नर जनरल के साथ खड़े होते हुए जुमे को कहा कि वो गैर मुल्की मदाखलत के बारे में अवामी समात के मुंतजिर हैं जो जॉनस्टन इस साल मुनक्किद करेंगे। अमरीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हजारों अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हजारों अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से गुज़िश्ता माह 4000 अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों के ख़त्म होने की वजह कोरोना वबा के बाद ऑनलाइन से काम दोबारा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में मुंतकिल होना है, जबकि दूसरी बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है जिससे कई अफराद का काम एक मशीन से लिया जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बेरोजगारी की नई लहर में टेक्नोलॉजी की दुनिया में 19,600 अफराद अपनी मुलाजमतें खो बैठे, जिनमें 4,000 ऐसे अफराद थे जिनकी नौकरी छिन जाने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 4.9% बनता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रमह बरस जनवरी से मई के दरमियान तकरीबन 4,17,500 मुलाजमतें ख़त्म हुई जो 2020 के कोरोना वबा के बाद से बेरोजगारी की बदतरीन सूरत हाल है। दुनिया भर की कंपनियां अब तख्लीकी काम जैसे तहरीरी, इंतजामी और इल्मी समेत मुतादिद कामों को खुदकार बनाने के लिए जदीद AI टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। मुलाजमीन की नस्बत ChatGPT सस्ती कीमत पर काम अंजाम देता है और मीडिया कंपनियां भी AI का इस्तेमाल करते हुए सहाफियों को मुलाजमतों से फारिग कर रही हैं। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और अमरीका सूडानी मुसल्ह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के वफूद के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के ख्वाहिशमंद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और अमरीका सूडानी मुसलह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के वफूद के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। सूडानी धड़ों के वफूद अब भी जद्दा में हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। कई हफ्तों से सऊदी अरब और अमरीका मुतहरिक फरीकों के दरमियान सालसी कर रहे हैं। 21 मई को दोनों ममालिक ने जंग ज़दा मुल्क को इंतहाई ज़रूरी इंसानी इमदाद की फराहमी में मदद के लिए एक आर्जी जंग बंदी के माहदे में कामयाबी के साथ सालिसी की। ताहम उनकी कोशिशों को उस वक्त धचका लगा जब गुज़िश्ता हफ्ते फौज ने ऐलान किया कि वो जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात में मज़ीद शिरकत नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब और अमरीका सूडान के आवाम के साथ अपनी वाबस्तगी पर साबित कदम हैं और फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो नई जंग बंदी पर मुत्तफिक और मौसर तरीके से अमल दरामद करें। बयान में मजीद कहा गया कि सहूलतकार रस्मी बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं और फरीकैन को याद दिलाते हैं कि वो सूडान के शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए 11 मई के जद्दा ऐलानिये के अज़म के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करें। सूडान में अप्रैल के वस्त में जनरल अब्दुल फतह बुरहान की क्यादत में फ़ौज और जनरल मोहम्मद हमदान दगालू की सरबराही में नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद अफरा तफरी फैली हुई है। वाज़ेह रहे कि तनाज़े ने खरतूम और दीगर शहरी इलाकों को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर में वसी पैमाने पर लूट मार और रिहायशी इलाकों की तबाही हुई है। इस तनाज़े ने 1.65 मिलियन से ज्यादा अफराद को बेघर भी कर दिया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.